नमस्ते दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और ये वीडियो शुरू करने से पहले सभी लोगों को, ये जो नवरात्रि चल रहा है और दुर्गा पूजा का, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और सभी को हैप्पी दुर्गा पूजा और हैप्पी नवरात्रि। आप लोगों के सामने मैं एक पॉट दिखा रहा हूँ, ये देखिए, ये जो मेरा प्लांट है, ये आज का वीडियो इस प्लांट के बारे में है, देख सकते हैं। ये एक्चुअली एक सकुलेंट प्लांट है, इसका नाम है कैलेनकोई, और ये इतने इजीली अवेलेबल नहीं होता मार्केट पे, लोकल नर्सरी पे। तो ये जो प्लांट है, मैंने बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक नर्सरी मिला डेली का, बड्स एंड ब्लस करके, उनका जो एड्रेस है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। और ये जो प्लांट है, इसको आप आराम से इस विंटर में आराम से लगा सकते हैं। ये जो कैलेनकोई प्लांट है, मैं इसको यहाँ पर लगाए हुए 10-15 दिन हो गया एक्चुअली, देख सकते हैं आप लोग, इधर नया पत्ते भी निकल रहा है। तो ये जो कैलेनकोई प्लांट है, ये एक ट्रॉपिकल टाइप का भी प्लांट है, इसको आप आउटडोर में किसी शेडी एरिया में आराम से रख के इसको ग्रो कर सकते हैं। और इसका जो फ्लावरिंग है, बहुत बढ़िया होता है। और एक बात है, अभी जो विंटर मौसम, विंटर का जो सीजन आ रहा है, सभी जो गार्डनर दोस्त थे मेरे, ये प्लांट वो लोग ज़रूर लगा सकते हैं। इसका जो फ्लावरिंग है, बहुत बढ़िया आता है, बहुत पिंक कलर में मिलता है इसका, वाइट में भी है इसका, मेरे पास तीनों कलर का है। तो जो मैंने ऑर्डर किया था, उसका मैं आज अनबॉक्सिंग करूँगा आज का ये वीडियो। और एक बात है, जो ये जो कैलेनकोई प्लांट है, इसमें आप ये जो है सीजनल प्लांट की तरह नहीं है कि एक बार फ्लावर देगा मर जाएगा। इसको आप थोड़ा सा ट्रिक सकता है कि इसको सालों साल चला सकते हैं, पेरेनियल टाइप का फ्लावर बना सकते हैं इसको। तो दोस्तों, आज इस प्लांट का अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको कैसे लगाएंगे, केयर करेंगे, आप मिट्टी में लगाने से पहले, कहीं बड़े गमले में लगाने से पहले इसको कैसे केयर करेंगे, इसको जानते हैं मेरे वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं बहुत दिनों से एक सकुलेंट प्लांट ढूंढ रहा था जिसको मैं आउटडोर में भी लगा सकूं और जिसमें फ्लावरिंग जो है बहुत बढ़िया तरीके से आए। तो मुझे एक प्लांट मिला है बहुत ढूंढने के बाद, कैलेनकोई प्लांट। ये जो कैलेनकोई प्लांट है, वो विंटर में बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग देता है और ये ट्रॉपिकल टाइप का प्लांट भी है और ये एक सकुलेंट प्लांट भी है। तो मैंने यहाँ पर जो लोकल नर्सरी है, वहाँ पर बहुत ढूंढा पर नहीं मिला। तो मैंने एक डेली का नर्सरी है बड्स एंड ब्लस करके, वहाँ से मैंने डायरेक्ट फ़ोन करके ये मंगा लिया। उन लोगों का वेबसाइट भी है, अगर आप लोग उनसे ये प्लांट मंगाना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये पार्सल मुझे डिलीवरी के थ्रू मिला है, चलिए इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। दोस्तों, इस प्लांट के बारे में और जानकारी के लिए, और इसको कैसे लगाएंगे पॉट पे, इसको कैसे केयर करेंगे, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा, ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो दोस्तों, मैंने जो पहला पौधा निकाला, वो तो बहुत बढ़िया निकला, एकदम ग्रीन है, अलाइव है, उसका रूट्स देखिए। और दोस्तों, नर्सरी वालों ने मुझे एक गिफ्ट दे दिया है, ये पोर्टुलुका का गिफ्ट दिया है, कटिंग्स का, जिसमें रूट्स नहीं है एक्चुअली। ये इसको मॉस रोज भी बोलते हैं और मेरे पास ऑलरेडी था, तो ये कटिंग से अच्छी तरीके से ग्रो होता है। तो चलिए दोस्तों, सभी पौधे को धीरे धीरे खोलते हैं। एक्चुअली मैंने 3 डिफरेंट टाइप्स के कलर का कैलेनकोई प्लांट ऑर्डर किए थे, और ये जो कैलेनकोई प्लांट है, इसको आप थोड़े से ट्रिक्स ना कि इसको सालों साल चला सकते हैं। ये सिर्फ एक बार फ्लावर दे के नहीं मरेगा, ऐसा कोई सीजनल फ्लावर की टाइप की तरह नहीं है। और दोस्तों, इस तरीके की गार्डनिंग ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, मेरा जो मेन प्लांट है, उन लोग उसके साथ कटिंग से ग्रो किए हुए रूट वाले बहुत सारे पौधे मुझे मिल गया है। तो चलिए इसका मिट्टी तैयार करते हैं। इसके लिए कोकोपीट लिया है मैंने, थोड़ा वर्मी कंपोस्ट और थोड़ा गार्डन सोयल और थोड़ा सैंड लिया है। अभी बारिश का मौसम है तो फंगस के अटैक से बचाने के लिए मैं इसमें थोड़ा सा फंगीसाइड यूज़ करूँगा। ये जो बाज़ार में सांप करके एक फंगीसाइड मिलता है, मैं इसका यूज़ करूँगा।
तो इससे पहले इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका मिट्टी तैयार करते हैं। और दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, अच्छी तरह मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा मैं फंगीसाइड ऐड कर लूँगा, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है, इसके लिए पौधे को फंगस के अटैक से बचाना है मुझे। ठीक है दोस्तों, इसको मिलाने के बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। दोस्तों, देख सकते हैं मेरा जो मिट्टी है वो पूरी तरह एकदम तैयार हो गया है। अभी इसको गमले में लगाएंगे। मैंने इसके लिए 4 इंच का एक पॉट लिया है जिसमें बहुत सारा ड्रेनेज होल हो। आप भी ख्याल रखिए, उसमें ड्रेनेज होल होना चाहिए। तो इसको टाइट करके मिट्टी को इसमें भर देना है। दोस्तों, ऐसे मिट्टी भरने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि मिट्टी को ज़ोर से दबाना है पॉट्स के अंदर, नहीं तो यहाँ पे एयर पॉकेट्स रह जाएगा और जो रूट्स का ग्रोथ है अच्छे तरीके से नहीं होगा। देखिए दोस्तों, मैंने चारों गमले में ये मिट्टी भर दिया है। इस पे चलिए पौधे को लगाते हैं। देखिए दोस्तों, देख सकते हैं इस पौधे को मैंने उंगली से ऐसे खरोच करके इसके रूट्स के थोड़े ऊपर तक उसका डेप्थ जो है इतना तक होना चाहिए और उसको कस के मैंने दबा दिया है। आप जोर से इसको अच्छे से कस के दबाइएगा, नहीं तो एयर पॉकेट्स रह जाएगा। और एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप नए पौधे किसी पॉट या गमले में लगाते हैं, इसको अच्छी तरह चारों तरफ से भिगो देना है पूरा फुल करके। देखिए दोस्तों, ये जो मेरे पौधे हैं मेरे चारों गमले में लग चुका है। और जो नर्सरी वालों ने मुझे छोटे छोटे जो रूट्स वाले कटिंग्स दिए थे, उन लोगों को भी देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो छोटे छोटे हैं उन लोगों को भी मैंने लगा दिया है साइड पे। दोस्तों, ये जो पौधे थे ट्रांजिट में थे तो बहुत स्ट्रेस में होगा ऑब्वियसली, तो इसको स्ट्रेस से बचाने के लिए, उसका स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए मैं थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट यूज़ करूँगा। इसको 1 लीटर पानी में ऐसे मिक्स करूँगा। एप्सम सॉल्ट जो है वो मैग्नीशियम सल्फेट है, किसी भी केमिस्ट के दुकान पे मिल जाता है आराम से। इसको स्प्रेयर की मदद से इसको चारों तरफ से इसको अच्छी तरह भिगो दूंगा। दोस्तों, आप जब कभी भी ऑनलाइन से प्लांट मंगाते हैं, एक बात ध्यान में रखिएगा कि इन प्लांट्स को आप डायरेक्टली किसी बड़े गमले में नहीं लगाना है। इसको किसी छोटे गमले में लगा के इसको 15-20 दिन तक किसी शेडी एरिया में रख के इसको ग्रो करने देना है एरिया के अनुसार एक्लिमेटाइज होने के लिए। दोस्तों, ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा और मेरे जो नए व्यूअर्स है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से मुझे बहुत प्रेरणा मिलता है इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए। मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे दोस्तों।